अनेकों प्रकार के अनाज को इकट्ठा करते हैं। और चाची जी भी यहाँ पे लगी हुई है छिमी निकालने पे, जो लगले थे वो भी हमने कूट दिए हैं। और साथ ही साथ में अभी ना थोड़ा बहुत यहाँ पे जो दाल का भूसा रहता है ना वो मम्मी निकालेगी। और मैं कट्टा पा करो अवल माँ एवा कटावा बाल में क्या पता। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से और एक नई जगह से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं धनासोड़, यहाँ भाभी लोगों की छानी में, क्योंकि यहाँ से जो चाचड़ वाला खेत है ना थोड़ा बहुत नज़दीक है और उतराई वाला रास्ता है यहाँ से। और घर से यदि हम लेके आते तो घर से तो पूरा रास्ता बंद हो रखा था। तो भाभी लोगों से बात करेगी गोबर के लिए। तो अभी मम्मी और मैं आ चुके हैं यहाँ पे गोबर डालने के लिए। और मम्मी ने यहाँ पे एक स्वाल्टी पे भरा है और साथ ही साथ में ना एक कंडे पे भरा हुआ है। चलो तो बाबा चाचड़ मत कोरा। हम लोग ना कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। यहाँ देखो रास्ते, तो जहाँ से हम लोगों ने जाना था वो रास्ता तो पूरा टूट गया है और अभी इस वाले रास्ते से जाना पड़ रहा है। ए बाबा, ऐसे आप बाप रे, चल हाय पार्ट ना। तो अभी ना मम्मी कुछ अलग ही स्टाइल में डालती है, मुझे तो नहीं आता भाई। अभी देखो है डालो माँ एक नए स्टाइल में, यहाँ देखो ये ले। अब मेरा स्टाइल देखो यार, ये बाबा हैं खाली इतनी ज्यादा मतलब आफत आ रही है ना आते आते, क्योंकि रास्ता मतलब थोड़ा टफ सा है यहाँ से आने के लिए। काते चाहिए माया के क्या क्या था मधु ना या। तो अभी तो पता नहीं यार कितने कंडे गिरने लगते हैं यहाँ पे, लगभग लग जाएंगे 20 या 21-22 के लगभग तो लग ही जाएंगे। तो अभी ना हम उसी वाली जगह पे जा रहे हैं, तो देखते हैं 12 बजे तक कितना गोबर डाल पाते हैं। कटावा बाल में क्या पता। तो आज ना मैं भी यहाँ पे कट्टे पे गोबर ले जाने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि आज तक तो हम लोग कभी लेके नहीं गए, बट आज ट्राई करते हैं। और बहुत सारी जगह मैं देखती हूँ कि मतलब लोग ना कट्टे पे ही गोबर लेके जाते हैं। आज ना फर्स्ट टाइम मैं लेके जा रही हूँ गोबर कट्टे में, और ले जाने के लिए तो थोड़ा बहुत सही हो रहा है बट भारी तो उतना ही हो रहा है। जैसे कंडे में लेके जाओ तो कंडे में ऐसी दिक्कत होती है, चुभने की दिक्कत होती है, बट ये कट्टा ऐसे मतलब सही हो रहा है ले जाने के लिए। तो चलिए जी, अभी दिन के 12 बज चुके हैं और हमने अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे गोबर डाला, मतलब 4 कंडे मम्मी लेके आए और 4 मैं लेके आई। तो अभी ना मम्मी आ रही है सामने से, क्योंकि जो अभी वाला जो गिल्डा भरा है ना मम्मी ने, तो वो शायद भारी हो रहा है।
तो चलो जी चलते हैं घर की ओर। मम्मी तो यहाँ पे घास काटेगी और मैं चलती हूँ घर की ओर, क्योंकि दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो अभी पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद घर जाते हैं। और हैं वड़ाना आती है कीड़ा एक नाक ले आती है। अब आ दिन मजा दे चांस वड़ाना। दिन भर काम करते रहो तब भी ना घर का काम कभी पूरा नहीं होता है। तो अभी दिन के लगभग बज चुके हैं, काफी टाइम होना ना, 3 बज रहे हैं, 3 ही बज रहे हैं। तो अभी ना दिन के लगभग 3 बज रहे हैं और अभी माता जी ने ना परसों यहाँ पे मेहंदी लगाई, पूरे मम्मी के बाल यहाँ से ना ऐसे बुड्ढी हो गई थी, पूरे वाइट हो गए थे, तो मेहंदी लगाई होगी और आजकल थोड़े काले हो रहे थे यहाँ पे। यहाँ देखो यकता हुई इनसे कावा। तो चलो जी अभी ना हम लोग जो ये वाले लग ले है ना, तो इनको कूटना है अभी, क्योंकि मतलब आज ना मौसम पूरे तरीके से खराब है, बारिश होने की संभावना भी है। तो पहले ना ये वाला काम निपटाते हैं, उसके बाद आज तो खेतों में सुबह तक गए थे हम गोबर डालने के लिए, बट अभी अभी तो टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि 3 बज चुके हैं। और अभी ये वाला काम निपटा देते हैं क्योंकि घर का काम करना भी ज़रूरी है। बारिश आएगी तो पूरे सूखे हुए जितने भी लगले हैं ना हम लोगों के, तो ये सारे खराब हो जाएंगे। चलिए जी अभी ना यहाँ पे जो लगले थे वो भी हमने कूट दिए हैं, और साथ ही साथ में अभी ना थोड़ा बहुत यहाँ पे जो दाल का भूसा रहता है ना वो मम्मी निकालेगी, और मैं चलती हूँ ऊपर खेतों की ओर क्योंकि मुझे लेके आने हैं वहाँ से लकड़ी। और यहाँ पे जो ये वाला खेत है ना, तो इस वाले खेत की ना छिम्मी भी हो गई है, तो पापा जी लगे हुए हैं यहाँ पे छिम्मी निकालने पे। निकले तो अभी ना मैं अपने इस वाले खेत में पहुंच चुकी हूँ। ये है हमारा नारंगी वाला खेत। पहले यहाँ पे ना एक नारंगी का पेड़ था, इसकी वजह से ना इस वाले खेत को नारंगी वाला खेत बोलते थे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ गांव के ऊपर में। यहाँ सुबह पापा जी ने छीमी वगैरह निकाली होगी और इसका जो घास है ना वो भी यहाँ से लेके जाना है, और साथ ही साथ में जो छीमी की जो लकड़ियाँ थी ना वो भी पापा जी ने यहाँ पे तोड़ के रखी हुई है। तो अभी ना इन लकड़ियों का यहाँ से मैं भाड़ा लगाती हूँ और घर लेके जाती हूँ। और यहाँ से जो मेरे गांव की जो रौनक आ रही है ना अभी शाम टाइम की, बड़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे लकड़ी की भारी भी लग चुकी है, और साथ ही साथ में ना चाची जी भी आ रखी हैं इस साइड को। अभी चाची से मिलवाते हैं आपको। यहाँ से ना चाची दिखाई नहीं दे रही, यहाँ देखो। तो चाची ना अब भी आए अपने इस वाले खेत में छिम्मी निकालने के लिए। और असूज का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस टाइम पे ना लोग अनेकों प्रकार के अनाज को इकट्ठा करते हैं, और चाची जी भी यहाँ पे लगी हुई है छिम्मी निकालने पे। कत निकाल चाची तुम छिम्मी? तो चाची का ये एक ये वाला खेत है, एक दूसरे वाले खेत का तो निकाल ही दिया होगा। तो अब ना हमारे भाई जी की भी शादी है, तो अब चाची जी मतलब राजमा निकालने के बाद, मतलब खेतों का काम निपटाने के बाद करेंगे घर में मतलब लिपाई पुताई का काम है। अब पेंट कल अब भेजी ना उनका। अच्छा 27 तारीख में ना भेजो भी भाई, मैं तो पता भी नहीं डेट ते को तो स्टेटस डाल दूँ आज सो वो भेजन भेज दो कार्ड। क्यों भाई आज सी तो मैं परसे आऊँ जान उन्हें ना ओल भी होते ओल घर है नब्योगते तो बोलो। हाँ क्या कहना? हाँ
ब्योह को लो हाँ बन गए माँ बने थे बल बोवे ब्योह देते बस छोटे माँ ही बल ना ना ओल भी होता था कहानी ओल वार तो वार भेजियो भी होता हम सोधी बोलता छोटे मांग लो तेरा गाल था भाई सी हूँ घर की ओर यहाँ देखो या मैं पकेर थे तो ना ना तो अभी ना ये वाली भारी है यहाँ पे उठाने के लिए भाई यहाँ पे उठाने के लिए तो यही नहीं यहाँ पे दाल कम और जो भूसा है ना वो ज्यादा निकल रहा है यहाँ देखिए इतना सारा भूसा है दाल ना 1 किलो तक भी नहीं होगी और यहाँ ऊपर देखो इस बंदरी पे ओ बंदरी तो अभी ना यहाँ पे जो ये वाले छिलके हैं ना हमारे यहाँ ये वाले छिलकों का यूज़ किया जाता है आग जलाने के लिए और इन छिलकों को कब से मतलब का साल वगैरह माँ ये मतलब जब रजनी दीदी की शादी को हो चुके हैं लगभग 4-5 साल और उससे पहले मतलब दीदी गई थी जंगल तो उस टाइम लेके आए थी ये वाले छिलके और अभी भी ना हम लोगों ने बचा के रखे हैं थोड़ा बहुत मतलब इनका यूज़ कर रहे हैं अभी तो अभी ना ये वाला काम निपटाते हैं और माता जी तो लगी हुई है यहाँ पे और आज पता नहीं कितनी दाल निकलती है हमारे यहाँ पे तो अभी ना मम्मी लोग तो लगे हुए हैं अपने कामों पे मम्मी का काम है यहाँ पे दाल को मतलब भूसा अलग करना और पापा जी लगे हुए हैं खेतों से राजमा निकालने के लिए तो अभी ना मैं ऊपर छत में चलती हूँ और अभी मेरा काम है राजमा को कूटने का यहाँ पे और यहाँ देखो ये बंदरी ना अंदर से चिल्ला रही है वहीं पे रे वहीं पे नीला सी में ओ डाला ओ ये ओंडो मैं जन तो मिठे वहां देखो भाई जी का लड़का है यहाँ देखो कहाँ जानो आयुष है आयुष ओ ये को आज तो अभी ना मैं जैसे ऊपर गई तब तक ना यहाँ पे भाई जी का लड़का आ गया तो बच्चे होते ही हैं बच्चे वाल मन के सच्चे तो अभी ना पापा जी ने उसको बुलाया कि टॉफी टॉफी लेके तो अभी देखती हूँ वैसे लेके आ रखी थी मैंने परसों की मिल गई ये लो ये लो ये लो है गिरा दिया नीचे अपर्णाम वो अपर्णाम कैंटन प्रणाम दादी प्रणाम भी करें दादी प्रणाम चल 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 नहीं खोटमा 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 ताक बिटिन जा दादा प्रणाम करियो ठीक छे सुनो छे हाँ ताक बिटिन जा दादा प्रणाम कर तबे ध्यान दादा ने कदिन टोपी तो अभी ना यहाँ पे जो ये वाली राजमा है ना तो इनको अभी इस वाले डंडे से कूटते हैं और पहले तो हम लोग ना हाथ से छिलते थे बट आज की डेट में मतलब वैसे पहले सुखाते हैं उसके बाद इसको अच्छे तरीके से कूटते हैं और इनसे जो दाने हैं ना इन फलियों से जो दाने हैं ना ये खुद ब खुद अलग हो जाते हैं तो चलो जी अभी ना ये वाला काम भी निपटा देते हैं और पहाड़ों में तो आप लोगों को पता ही है इतने सारे काम होते हैं करने के लिए तो रात का डिनर भी हो चुका है और माता जी यहाँ पे घी बना रही है तो चलो जी मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में यदि आज का ब्लॉग पसंद आता है लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।